नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं आरबीआई बैंक के बारे में। देश का सबसे बड़ा बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन इस बैंक के साथ आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के काम करने के तरीके से बहुत ज्यादा नाराज है। और जो अब आरबीआई के हेड है यानी कि जो गवर्नर है उर्जित पटेल और मंत्रालय के बीच में जो नाराजगी है वो सबके सामने आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आरबीआई अगर उसकी बात नहीं मानेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 7 का यूज करना पड़ेगा। सेक्शन 7 को यूज करने का मतलब होता है कि जो रिजर्व बैंक का सारा काम है, जो सारा का सारा कंट्रोल है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। इसको यूज होगा या नहीं होगा ये अभी रिजर्व बैंक की बैठक के बाद पता चलेगा। और ये बातें भी सोची जा रही हैं कि जो आरबीआई की बैठक होगी उसके बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शायद आरबीआई के गवर्नर की पावर्स को थोड़ा कम कर सकती है। अब सबसे मेन बात के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो आरबीआई के पास पैसा सुरक्षित पड़ा हुआ है यानी कि रिजर्व के तौर पे जो भी पैसा है उसका कुछ पार्ट वो बाहर निकाले और वो सारा का सारा पैसा जो है वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज के अकॉर्डिंग जो हमारी रिजर्व बैंक के अंदर रिजर्व अकाउंट है उसमें लगभग 9.59 लाख करोड़ रुपीस अभी भी रखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कुछ हिस्सा निकाल लिया जाए और इकोनॉमी के अंदर यूज किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी एक ऑफर दिया था कि इस पैसे को हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग जो आरबीआई के अंदर जो इतना बड़ा रिजर्व है, ये रिजर्व रखना एक पुरानी परंपरा है जो अब इसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए सारा का सारा पैसा निकाला जाए और यूज किया जाए, जैसे कि लोन चुकाने में, डेवलपमेंट के अंदर सारा का सारे पैसे को खर्च किया जाए। गवर्नमेंट मानती है इससे गवर्नमेंट बैंक्स की हालत सुधरेगी, वो नए कर्ज दे पाएंगे और अपनी धीरे धीरे इनकम बढ़ा सकेंगे। लेकिन आरबीआई इन सारी बातों से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि अगर इतना सारा ह्यूज अमाउंट में हमने अगर कैश निकाला तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आरबीआई मानता है रिजर्व में रखे पैसे से बैंक की कमाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हमने इतना बड़ा अमाउंट निकाला तो बाजार के अंदर भरोसा बहुत कम हो जाएगा और जो हमारी फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया के साथ बिजनेस करने से डरेंगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आरबीआई से पैसे मांगने की बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए मार्केट के अंदर आई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई ने पहले भी पैसे दिए थे। 2017-18 में आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए अपने रिजर्व में से सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे। 2016-17 में भी आरबीआई ने 30,659 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे। इसके बाद भी इकोनॉमी के अंदर ना तो कोई ग्रोथ हुई और ना ही अपने गवर्नमेंट बैंक्स की हालत सुधरी। इसीलिए आरबीआई इस बारी पैसे देने से मना कर रहा है। इंडिया के बहुत नामी इकोनॉमिस्ट हमारे अरविंद सुब्रमण्यम ने 2016-17 के टाइम में कहा था रिजर्व बैंक में जो रिजर्व रखा हुआ है करीब 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे हैं और इस पैसे को आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देने चाहिए। लेकिन उस वक्त आरबीआई के गवर्नर जब हमारे रघुराम रंजन ने, उन्होंने इस प्रस्ताव का बिल्कुल विरोध किया था। और अब जो आरबीआई के गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल जी हैं वो भी इस प्रस्ताव का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। इसीलिए आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच जो बातें चल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि जो उर्जित पटेल है वो अपना इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं। उर्जित पटेल जी हैं वो अपना इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, जो भी आगे अपडेट आएगा आपको इस वीडियो के जरिए पता लगता रहेगा। तो आपका काम अब सिर्फ इतना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अब वीडियो को शेयर करना है ताकि आपको धीरे धीरे इन सारी बातों के बारे में पता चलता रहे।